वेल गाइस, तो आज बहुत टाइम बाद सभी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे हॉलीवुड लेवल का एक्शन प्रॉमिस किया गया था एक बॉलीवुड मूवी में, तो उससे बहुत ज़्यादा बेटर करने की कोशिश की है और उसको डिलीवर भी किया है यहाँ पे जॉन अब्राहम की टीम ने, लक्ष्य राज की टीम ने और पेन स्टूडियोज ने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अटैक पार्ट 1 मूवी के बारे में। और सरप्राइज मत होना, अगर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा करती भी है तो लिखा हुआ जो आया था ना एंड में अटैक पार्ट 2 कमिंग सून, तो वो चीज़ बहुत ही जल्द सच हो सकती है। और किस तरीके से अब जो है एक इंस्पिरेशन के तौर पे हम इस कैरेक्टर को देख रहे हैं बॉलीवुड में, ना कि हम कॉपी इसको कह रहे हैं। और मार्वल के कैप्टन अमेरिका से तो बिल्कुल इसको कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए, या फिर किसी भी या ब्लड शॉट मूवी के हीरो से, यानी कि विन डीजल के कैरेक्टर से इसको कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए। और किस तरीके से टर्मिनेटर या और चीज़ों से इसे कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट ए प्रॉपर साइबॉर्ग। इसके अंदर कोई सुपर सोल्जर सीरम नहीं है, इसके अंदर कोई नैनोबॉट्स नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत AI टेक्नोलॉजी है और कुछ चीज़ों का यूज़ भी किया गया है यहाँ पे अर्जुन के कैरेक्टर के अंदर को, या फिर अर्जुन की उस रिफ्लेक्सेस को स्ट्रांग बनाने के लिए। लेकिन आप कम्प्लीटली यहाँ पे ये नहीं कह सकते हो कि ये जो कैरेक्टर है अर्जुन का प्रॉपरली हॉलीवुड से कॉपी किया गया है, या फिर इसकी पूरी इंस्पिरेशन वहाँ से ली गई है। लेकिन यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग आइडिया को, जो कि हॉलीवुड में काम करता आ रहा है, कहीं ना कहीं रोबोट मूवी में भी ट्राई किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आइडिया, तो यहाँ पे इसको किस तरीके से बेटर लेवल पे और एक एक्शन फिल्म की तरह यहां पे इसे दिखाया गया है यहां पे, तो ऑल इन ऑल वो सारी चीजें करने में अटैक मूवी बहुत ज्यादा कामयाब रहती है। और मेरी तरफ से यार मुझे लगता है कि मॉर्बियस से ज्यादा इस मूवी को प्रेफरेंस देनी चाहिए थी सभी मार्वल मूवी गोअर्स को अभी के टाइम पे, क्योंकि अगर आप अभी मॉर्बियस देखने जा रहे हो ना, मत जाओ, क्योंकि वह आप बाद में स्ट्रीमिंग सर्विस पे भी देख सकते हो जब वो आ जाएगी यहां पे, या फिर टीवी पे आ जाएगी। लेकिन उससे बेटर थिएटर में एक्सपीरियंस रहेगा अटैक मूवी का। जी हां, मैं खुद एक मार्वल रिव्यूअर ये कह रहा हूँ कि क्योंकि इससे पहले मेरा जो मॉर्बियस का रिव्यू आया था बहुत ही गंदी मूवी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा पैसा आपका वसूल कर देगी। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें राइट फ्रॉम द कैरेक्टर, जॉन अब्राहम की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस, जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से रोल निभाया है। जो प्रॉमिस किया गया था नॉनसेंसिकल एक्शन प्रॉमिस किया गया था, मैड एक्शन प्रॉमिस किया गया था, वो यहाँ पे जॉन अब्राहम डिलीवर करते हैं। चाहे वो पार्लियामेंट का एक्शन सीक्वेंस हो, चाहे बाइक चेजिंग सीक्वेंस हो, बिल्कुल धूम मूवी की याद दिला दी। और मुझे अभी भी याद है व्हेन आई वाज अ लिटिल किड, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा उस बाइक का शौक हुआ था, और उससे भी ज़्यादा जॉन अब्राहम की जो यहाँ पे जैकेट थी धूम मूवी में, तो उससे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था। तो वो वाली वाइब्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आई। और बीच में आपको ये भी थोड़ा बहुत मिलेगा कि इसमें KGF का BGM भी थोड़ी बहुत उसकी रिजेंबलेंस आपको देखने को मिलेगी, जो कि कहीं ना कहीं एक ट्रिब्यूट के तौर पर या फिर एक ईस्टर एग के तौर पर इस मूवी में दिखाया गया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टोरी लाइन की, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लगेगा कि स्टार्टिंग में जो एंगल दिखाया गया है, जो लव वाला एंगल दिखाया गया है, या फिर जो इमोशनल यहाँ पे केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश की गई है, वो ज्यादा मूवी के एंड में यहाँ पे रिलेटेबल नहीं लगता है। लेकिन यार इंडियन मूवी है, और इंडियन मूवी में इमोशंस का दिखाना या फिर इमोशनल वाला एंगल या फिर लव एंगल ना हो तो वो इंडियन मूवी कैसे बनेगी। और इसके एक्शन सीक्वेंसेस में परफेक्ट तौर पर हर किसी BGM को अच्छी तरीके से यूज किया गया है, गाने बहुत ही परफेक्टली डिजाइन किए गए हैं, हर एक मोमेंट पे जो भी गाना बजता है वो मूवी की फील को और भी ज्यादा ऊंचा करता है। फ्यूचर में अगर सारी चीजें बॉक्स ऑफिस पे सही रही इस मूवी के साथ, तो हो सकता है कि यहाँ पे अब फैंस की एक्सपेक्टेशन राइटिंग के पर्सपेक्टिव से, इसके डायरेक्शन के पर्सपेक्टिव से, किस तरीके से आप इसमें एक्शन और स्टोरी दिखाते हो, वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, जैसा यहाँ पे KGF मूवी के साथ हुआ था। मैं यहाँ पे इस मूवी को KGF के साथ कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे VFXing अच्छी तरीके से की गई है, कलर ग्रेडिंग इस मूवी की गई है, बहुत ज्यादा तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे इस मूवी की VFX और कलर ग्रेडिंग टीम की भी, क्योंकि यहाँ पे जॉन अब्राहम ने एक इंटरव्यू में कहा था, जो कि ट्राइडेंट रिफ्यूज प्रोडक्शन पे उनका वीडियो आया था, इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ पे जैमी पैंट स्पोर से यहाँ पे ये भी कहा था कि यार जो इस मूवी के बजट थे ना, वो 30% कम कर दिए गए थे कोविड के टाइम में। और यहाँ पे पेन स्टूडियोज ने साफ साफ कह दिया था कि उनकी प्रायोरिटी यहाँ पे RRR मूवी होने वाली है। लेकिन यहाँ पे जॉन अब्राहम, जो कि इस मूवी के प्रोड्यूसर तब तक नहीं थे, उन्होंने कहा कि मैं अटैक में खुद से अपना पैसा डालूंगा, आई विल बिकम द प्रोड्यूसर, लेकिन इस मूवी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज मुझे मंजूर नहीं है। तो आप देख सकते हो कि किस डेडिकेशन के साथ ये मूवी बनाई गई है। फ्लॉ हर किसी मूवी में होते हैं, कोई भी मूवीज फ्लॉ के बगैर नहीं होती है। इतने कम रन टाइम में स्टोरी दिखाना, इमोशनल एंगल दिखाना थोड़ा बहुत जो है हेक्टिक हो जाता है, लेकिन आगे चल के ये चीजें दूसरी मूवी में, दूसरे पार्ट में रिकवर किए जा सकते हैं और ज्यादा बेटर हो सकता है, जिससे इंडियन साइफाई का लेवल जो है एक अगले लेवल पे जा सकता है, और इंडियन फैंस की भी एक्सपेक्टेशन जो है इसे नेक्स्ट लेवल की ही रहने वाली है।
और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये मूवी आप थिएटर्स में जाके देखो, और अब तभी ऐसी मूवीज जो है आगे चल के इनको जब सपोर्ट मिलेगा, आगे चल के ऐसी मूवीज इंडिया में भी रेगुलर बनना शुरू हो जाएगी जिनका लेवल हॉलीवुड से भी बियॉन्ड होगा। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वेलस।